घोटालेबाज एक्सपोर्टर्स के खिलाफ होगी कार्रवाई। ब्लैक मनी पर बनी एसआईटी ने दिए निर्देश। ड्यूटी ड्रॉबैक का फायदा उठाने वाली 788 कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगी ईडी और डीआरआई। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन ने जारी की 31 मार्च 2016 तक के विलफुल डिफॉल्टर्स की लिस्ट। लिस्ट में 5,610 डिफॉल्टर्स पर 58,792 करोड़ बकाया। ब्लैक मनी पर लगाम लगाने के लिए आईटी विभाग का बड़ा कदम। बिना पैन कार्ड की हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन करने वालों को भेजा जाएगा नोटिस। यूरोपियन बाजारों की कमजोर शुरुआत से बाजार पर बड़ा दबाव। सेंसेक्स 205 और निफ्टी 56 अंक गिरकर बंद। और आरटीसी के नतीजे अनुमान से बेहतर। Q1 मुनाफा 2,378 करोड़ से बढ़कर 2,380 करोड़।